2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से देश में स्वच्छ भारत को एक बल मिला है। इसी पर कल एक लिस्ट आई है जिसमें स्वच्छ भारत के शहरों में लखनऊ को 12वां स्थान देश भर में मिला है और प्रदेश में लखनऊ का पहला स्थान है। हमारे साथ लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी हैं। मैम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। और मैम, लखनऊ का प्रदेश में पहला स्थान और देश में 12वां स्थान आया है, आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जब आप अपने कार्यकाल को संभाल रही थी उस समय लखनऊ का 269वां स्थान था, वहां से 12वें स्थान पे आने का कैसे, आपकी क्या नीतियां रहीं और क्या विशेष सोच रही कि आप 12वें स्थान पे आई हैं सीधे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके दिशा निर्देशन में हमें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से, उन्होंने एक स्वच्छ भारत का सपना हम सबको दिखाया, उनकी प्रेरणा से हम सब सारे शहर के लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने लगे और अपने अपने शहर में को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया में हम सब लगे और उसी में हमें 12वां स्थान प्राप्त हुआ। 269 नंबर से 12वां स्थान प्राप्त करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयास करने पड़े, हमें डोर टू डोर कलेक्शन कराने के लिए और कूड़ा को ठीक से निस्तारित करने के लिए, फ्री गार्बेज सिटी बनाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था और कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना पड़ा। जहाँ इतने वर्षों से लोग सड़कों पर कूड़ा फेंकते चले आ रहे थे, उनको जागरूक करना बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन उसमें लोगों ने सहभागिता निभाई और लोगों ने सहयोग किया, जिसके कारण आज हम लोग 12वें स्थान पर और भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आने का सौभाग्य मिला। और इसके लिए मैं देशवासियों को, अपने लखनऊ शहर के सभी लोगों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को और जो सड़कों पर काम करते हैं हमारे कर्मचारी, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी मेहनत और लगन के कारण हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ सके। मैम, स्वच्छ भारत में तो लखनऊ को 12वां स्थान मिला ही है, साथ में ही बेस्ट कैपिटल सिटी का भी अवार्ड मिला है, इसके लिए कैसे, क्या आपकी नीतियां रहीं? आपने 120 कूड़ा घरों को समाप्त करते हुए ये सारा मैनेजमेंट संभाला, ये इसमें आपकी क्या विशेष सोच थी, या आप पहले से स्वच्छता को लेकर आपका एक मन था कि आप इस पर विशेष काम करेंगी? चूँकि जब मैं चुनाव लड़ रही थी, मैं स्वच्छता के प्रति, जो महिलाएं विशेषकर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती हैं, अपने घर को सजाकर संवार कर रखती हैं, महिला होने के नाते से मेरा भी एक संकल्प था। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मैंने भी एक संकल्प लिया था कि मैं लखनऊ शहर को नंबर वन पर लाऊंगी, बनाऊंगी। उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत थी और हमने बहुत प्रयास करके जो हमारे डंपिंग पॉइंट थे, क्योंकि डंपिंग पॉइंट जो होते हैं वो सड़कों पर इसलिए बनाए जाते हैं कि छोटी गलियों में बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती और छोटी गाड़ियों से कूड़ा कलेक्ट करके सड़कों पर रखा जाता है और उसे जेसीबी द्वारा उठाकर, डंपिंग पॉइंट से उठाकर शहर के बाहर ले जाया जाता है निस्तारण के लिए। लेकिन वो सड़कों पर डंपिंग पॉइंट होने के कारण सड़कें गंदी रहती थी, लोग उसमें कूड़ा बीनते थे, जानवर उसमें घूमते थे। उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हमने 120 कूड़ा घरों को समाप्त किया। अभी और भी बहुत सारे कूड़ा घर हमारे यहाँ हैं जिनको हम धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। इन कूड़ा घरों के समाप्त होने से सड़कों पर वो गंदगी जो रहती थी उससे हमें निजात मिली और कूड़ा प्रबंधन के लिए हम लोगों ने गाड़ियों की आवश्यकता, जैसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने के लिए गाड़ियां कम थी, उन गाड़ियों को खरीदा गया और ODF करने के लिए शौचालय हमारे यहाँ बने थे। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शौचालय शहरों में बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं। लखनऊ शहर ने भी बहुत सारे शौचालय बनाए, लेकिन उन शौचालयों को ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका, लोगों को, लोग जाते थे उसको फ्लश नहीं करते थे, गंदे रहते थे, उसके लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया और जो लोग सड़कों पर शौचालय बनाकर शौच करने जाते थे उनको रोकने के लिए मैं धन्यवाद दूंगी छोटे बच्चों का। बच्चों ने इसमें बहुत सहयोग किया, क्योंकि ODF करने के लिए हमें बहुत कोशिश करने के बावजूद, क्योंकि लखनऊ शहर ऐसा शहर है जहाँ विद्यालयों के बच्चे या फिर किसी संगठन के बच्चे, विद्यालयों के बच्चों को, अच्छा, विद्यालयों के बच्चों ने उसमें बहुत सारा सहयोग किया। जब भी मैं किसी विद्यालय में जाती थी और बच्चों को जब ये बात बताती थी तो बच्चे अपने माता पिता को, अपने परिवार को बताते थे। एक नर्सरी क्लास की बच्ची ने
अपनी माँ को, उनकी माता ने मुझे बताया कि मेरी नर्सरी क्लास की बच्ची ने, जब मैं चिप्स खाकर रैपर को गाड़ी का शीशा खोलकर बाहर फेंकने जा रही थी, तो मेरी बच्ची ने मुझे मना किया और कहा कि मम्मा इसको फोल्ड करके घर अपने पर्स में रखो, हम लोग घर जाके डस्टबिन में डालेंगे। तो उन बच्चों का बहुत सहयोग मिला। ODF करने के लिए हमने बच्चों की एक टीम लगाई। जब हम ODF करने में हमें दिक्कत आ रही थी, उस समय बच्चों की एक टीम बनाई, जो खेल खेल में जो बड़े काम नहीं कर पाए वो उन बच्चों ने किया। वो बच्चे सीटी बजाते थे और टॉर्च दिखाते थे, जब सुबह 4 बजे उठकर वो हमारी टीम के साथ जाते थे और इस प्रकार से उनको बुलाकर लाते थे। जो टॉर्च दिखाते थे उनको शर्मिंदगी महसूस होती और उनको बुलाकर बुलाते थे, हमारी टीम उन्हें समझाती थी कि खुले में शौच क्यों नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे करके इस तरह से जागरूक शहर हुआ, क्योंकि हमारे लखनऊ शहर ऐसा शहर है जहाँ पर बाहर से लोग बहुत आते हैं, ठेले वाले खुमचे वाले जो सड़क पर ही खाना बना लेते हैं और वहीं अपना शौच को भी चले जाते थे। तो उनको शौचालय में का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई जो इसको जागरूक करती थी और उसमें बच्चों को जोड़ा और साथ में उनको फ्री में रसीद काट कर दिया कि वो शौचालय का इस्तेमाल करें। प्रयास सफल हुए, उसके लिए हमें प्लस पॉइंट मिला ODF में और हमें इन्हीं सब पॉइंट्स को जोड़कर हमें 12वां स्थान प्राप्त हुआ। तो उसके लिए मैं विशेष रूप से बच्चों का, अपनी यहाँ के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हम प्रयास करते रहेंगे कि हम नंबर वन पर आए। मैम, अभी आप लखनऊ की अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो अभी और क्या कार्य आपकी तरफ से हो सकते हैं और कहाँ पर कुछ कमी आ रही है? अभी बहुत कमियाँ हैं, हम बहुत आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत सी कमियाँ भी हैं। धीरे धीरे हम उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे और नंबर एक पर आने के लिए पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं, नंबर एक पर आने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जब तक हम नंबर एक पर नहीं आ जाते हैं या नंबर 3 में, तो हमें आना ही चाहिए। अगर हम 269 से 12वें नंबर पर आ सकते हैं, 12 नंबर पर आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से 12वें नंबर से नंबर 3 में आना हमारे लिए कोई कठिन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है और वो प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो हमारे साथ महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी हैं, जिन्होंने 257 रैंक की एक लंबी छलांग लगाई है और 269 से 12वें रैंक पे स्वच्छ शहरों में इनके कार्यकाल में लखनऊ आया है। लेकिन लखनऊ की जनता द्वारा ये दिल मांगे मोर, उसे अभी और भी चाहिए और श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी इस पर अभी कार्य कर भी रही हैं। सहयोगी बाबूलाल के साथ श्याम बाबू तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ।